नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ बैंकिंग की, कुछ बैंकर्स की। बात की शुरुआत यूको बैंक से करते हैं, जहां पे पिछले दिनों जोनल ऑफिस बालेश्वर के डीजीएम ने, जो कि जोनल हेड हैं, उन्होंने ये थ्रेटन किया था स्टाफ को कि अगर CKYC का कार्य 31 जुलाई तक पूरा नहीं होता है तो उनकी सैलरी स्टॉप कर दी जाएगी। और उस सर्कुलर को उन्होंने फिर से विड्रॉ कर लिया और लिखा, द मेन मोटिव ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू मेक देम अवेयर अबाउट द कंसर्न्स इन्वॉल्व इन द मैटर एंड कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस। और लास्ट में लिखा कि आवर लेटर रेफरेंस नंबर, जो भी डेटेड 25 जुलाई 24, स्टैंड्स विड्रॉन। यानी कि वो परिपत्र सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट हो गया कि मजबूरन उन्हें वापिस लेना पड़ा। यहां पे कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई काम क्यों करें जो आपको अपने ही हाथों से इशू करें और विड्रॉ करें। और इस बारे में हमारे AIBA का एक मैसेज था, व्हाट इज सॉस फॉर द गूज मस्ट बी फॉर द जेंडर। निशिकांत सिंह, डिप्टी जनरल हेड यूको बैंक बालासोर जोन, हैज इशूड ए कम्युनिकेशन टू ऑल ब्रांचेज अंडर हिम सेइंग दैट इफ CKYC वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर 31 जुलाई, ही विल स्टॉप सैलरी फॉर द स्टाफ इन दोज ब्रांचेज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। फर्स्टली, हिज सैलरी शुड बी स्टॉप्ड फॉर द हाई हैंडेड ऑटोक्रेटिक इलीगल एंड द अनडेमोक्रेटिक एक्शन। वी कंडम सच अनवारंटेड थ्रेट्स एंड द प्रेशर। वी डिमांड इमीडिएट विड्रॉल ऑफ सच एंटी स्टॉप इंस्ट्रक्शंस। हेड ऑफिस ऑफ यूको बैंक शुड टेक एक्शन ऑन दिस मैन। ही कैन नॉट पास ऑन हिज इनफिशियंसी ऑन द शोल्डर ऑफ अदर्स। AIBA का यह कमेंट था। दूसरी बात करते हैं कि PLI, हमारे वेंकटचलम साहब ने PLI का बहुत बड़ा मैट्रिक्स बना के चार महीना जो डिले किया है, अब खबर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PLI पेमेंट कर दिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने PLI पेमेंट कर दिया। यानी कि दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्टाफ के खातों में PLI क्रेडिट कर दिया। चलिए, देर आए दुरुस्त है। अब बात करते हैं कि 5-day banking का। 5-day banking के लिए बहुत हो हल्ला शोरगुल चल रहा था और पिछले एक साल से ये IBA के का प्रपोजल मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे बहुत से फ्रेंड ये कह रहे थे कि बजट में डिक्लेयर होगा, बजट में अनाउंसमेंट होगा, जबकि मैंने पहले ऐसा कहा था कि गवर्नमेंट के ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि बजट में इसको, इस मुद्दे को उठाया जाए। खैर, कुल मिला के ये कि अगर आप हमारे नेताओं की बात करें तो श्री संजीव के बंदलिस बार बार दावा करते थे अपना सीना ठोक के कि 5-day banking के बिना बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं होगा। खैर, छोड़िए सब बातें, क्योंकि झूठे नेता झूठी वादे। डॉक्टर विवेक जोशी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है, IBA हैज रिकमेंडेड ए 5-day work week। गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट। वी आल्सो हैव टू लुक एट द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स हु मे हैव फ्री टाइम ओवर द वीकेंड्स। ये हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी का कहना है, जो सब डिफेंस सर्विसेज के हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात हुई थी इन लियू ऑफ द सेम। अगर सारी वीकेंड्स में ही सारे लोग कस्टमर खाली होते हैं तो आपका मोबाइल बैंकिंग, आपके ATMs, आपके इंटरनेट बैंकिंग सब बंद कर दीजिए, फिर सारे लोग बैंकों में लाइन लगा के अपना काम कराएंगे। यानी कि नेता चुप।
यानी कि झूठे नेताओं के झूठे कमिटमेंट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज बात करते हैं कि कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक टू ओपन 250 न्यू ब्रांचेस टू बूस्ट कासा डिपॉजिट। विथ इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कैनरा बैंक ए पब्लिक सेक्टर बैंक इज सेट टू इन्हांस इट्स ब्रांचेज नेटवर्क। द बैंक प्लान्स टू ओपन 250 न्यू ब्रांचेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू फोकस ऑन मोबिलाइजिंग लो कास्ट डिपॉजिट्स, पर्टिकुलरली करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट। के सत्यनारायण राजू, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफ द कैनरा बैंक, रिवील्ड टू बिजनेस स्टैंडर्ड दैट द बैंक बोर्ड हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंशन प्लान। द न्यू ब्रांचेज विल प्राइमरली एम टू बूस्ट कासा डिपॉजिट। करेंटली कैनरा बैंक इज लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज डाटा एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया फॉर द न्यू ब्रांचेज। अब बातें कुछ रिटायरीज की कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात हुई है कि रिन्यूअल ऑफ आईबीए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज फॉर 24-25। और इसका जो IBA has now floated tender to invite technical bids from the interested vendors for renewal of group insurance policy for employee and retirees. The main features of the policy 24-25 as per the tender document are under. It will be combined policy for the employees and retirees. Policy for employees will commence from this time from 1st November 24 to coincide with the date fixed for retirees. Sum assured for the workmen will be 3 lakhs and for officer will be 4 lakhs. These limits will be identical for employees and retirees. As per the tender document, the premium rates will be uniform for employees and retirees. और फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। सबसे बड़ी बात है इनका बेनिफिट तभी पता चलेगा जब फाइनल प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा कि रिटायरीज को क्या वाकई इन सब कहानियों से कोई रिलीफ मिलने वाला है अथवा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि केवल यह टेंडर डॉक्यूमेंट फ्लोट करने से इंश्योरेंस पॉलिसी जब तक फाइनल नहीं होती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि कहीं भी कोई AIBR ऑफ AIBPRC या हमारे UBU के लीडर्स कह रहे हैं द प्रीमियम द बेस प्रीमियम गवर्नमेंट या बैंकर्स एम्प्लायर बियर करेगा, इस बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। और जब तक सब्सटेंशियल प्रीमियम में रिडक्शन नहीं होता है तब तक ये रिटायरीज के लिए किसी भी सूरत में बेनिफिशियल नहीं होता है। अब पेंशन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं और पेंशन अपडेशन की बात करते हैं जहां पे यूनियन चुपचाप है। मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट्स कहीं पता नहीं है, इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम कहीं पता नहीं है। और जो पेंशन अपडेशन का केस चल रहा है, एक स्पेशल अलाउंस का केस, ग्रेच्युटी का केस, डिफरेंट केसेस चल रहे हैं और हर महीने केस आता है और फिर अगले महीने के लिए एडजॉर्न हो जाता है। बात करें हम सिंगला पेंशन अपडेशन की केस तो उस पे अभी भी स्टिल सुप्रीम कोर्ट के साइड पर कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है। हम ऑर्डर निसी को लेकर कितनों को हल्ला कर लें लेकिन उससे क्या होना जाना है ये कुछ पता नहीं। हाँ, जो कंसर्न एडवोकेट का कहना है कि सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में इसका डेट पड़ने की उम्मीद है, लेकिन वाकई क्या वो डेट पड़ेगी नहीं पड़ेगी नोबडी नोज। सो सब कुछ बातें बैंकिंग और बैंकर से अधर में। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।